बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन अपने मेज़बान अशरफ राही के साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन गुलमर्ग में, जहां पर महकमे जी डी ए की तरफ से एक आला कोशिश की गई है टूरिज़्म का रुझान यहाँ पर बढ़ाने के लिए। ये इग्लो जो आप मेरे साथ में देख रहे हो, ये महकमे जी डी ए की तरफ से बनाया गया है इग्लो। ये बर्फीला रेस्टोरेंट अपने आप में एक मिसाल है। हम आपको अंदर चल के भी दिखाएंगे बाज़ाब्ता तौर पर किस कदर ये बनाया गया है और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए किस कदर यहाँ पर कोशिशें की जा रही है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। ये इग्लोज़ आप देख सकते हो हमारे साथ में, बाज़ाब्ता तौर पर बर्फीला रेस्टोरेंट बनाया गया है यहाँ पर। ये टूरिस्ट हज़रात यहाँ पर जो आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंजॉय वगैरह करते हैं यहाँ पर टूरिस्ट। ये टूरिस्टों को बिल्कुल टूरिस्टों का रुझान बढ़ाने के लिए यहाँ पर ऐसी कोशिशें की जा रही है ताकि टूरिज़्म में इजाफा हो। मेरा नाम जेबी कुमार है, मैं अमृतसर से आया हूँ, पंजाब राजस्थान से हूँ, वैसे बिलोंग करता हूँ। कश्मीर में पहली बार आ रहा हूँ, गुलमर्ग भी पहली बार आया हूँ और ये भी ये जो है ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। यहाँ का जो स्वागत है ये तो बहुत मतलब तारीफ काबिल है, क्योंकि आज उद्घाटन हुआ है इसका और हमारे को फ्री में मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। बहुत सुंदर सजाया हुआ है इसको, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बर्फीली गर्मी इस वक्त आप बैठे हो तो कैसा महसूस कर रहे हो, क्या एक्सपीरियंस है? ऐसा भाई बर्फ के अंदर बैठोगे तो ऐसे हो गया आप जाओगे, लेकिन नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं चल रहा, लोग बहुत अच्छे हैं, तो गर्म जोशी से मिलते हैं। क्या रहेगी आपकी मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी तक कश्मीर नहीं आए? जिंदगी में एक बार तो आना जरूरी है। तो बर्फीले घर में बैठ के चाय पे कहवा पीने का कैसा मजा है? ये भी हम पहली बार पी रहे हैं, बहुत अच्छा है, कश्मीरी स्पेशल। सर मेरा नाम चंद्रलाल, कहाँ से? हम राजस्थान से आए हैं, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से। तो आज आप इसी ग्लो में बैठे हुए हो, बर्फीले घर में बैठे हुए हो, बर्फीले रेस्टोरेंट में बैठे हो, कहवा पी रहे हो, तो कैसा आनंद है? सर बहुत आनंद आ रहा है, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, ये अट्रैक्टिव घर देख के हम इतने खुश हो गए हैं कि यहाँ बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं, सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने हमें कहवा पिलाया, इनका ये लोकल फूड है यहाँ पर, इन्होंने हमें खिलाया, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा घर बनाया इन्होंने। आज इन्होंने सोचा था कभी जिंदगी में ऐसे बर्फीले फर्स्ट टाइम में बैठ के हम फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे, कहवा पी रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, लाइट डेकोरेशन अच्छी की है इन्होंने, पूरी अच्छी व्यवस्था की है, बैठने की अच्छी व्यवस्था की है, बहुत अच्छा लगता है। क्या रहेगी आपकी मैसेज उन लोगों के लिए जो कश्मीर में ही आए? मैं कहता हूँ अगर आप कश्मीर आओ तो यहाँ जरूर आए और यहाँ आके इन लोगों ने इतनी मेहनत से जो ये तैयार किया है इसका इन्जॉय करें। मैम आपका नाम? राजस्थान। तो क्या रहेगी आपकी मैसेज? बहुत अच्छा बनाया है इग्लू, यहाँ आना भी चाहिए, फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्फीले रेस्टोरेंट के अंदर कहवा पीना कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा। सोचा था कभी ऐसे बर्फीले घर के अंदर हम ऐसे? हमारा नाम लता। लता कहाँ से? बेंगलोर से। बेंगलोर से, तो क्या है, कैसी एक्सपीरियंस रही गुलमर्ग? बहुत अच्छी। इस वक्त आप इस इग्लो में बैठे हो तो कैसा फील कर रहे हैं यहाँ पर? कभी सोचा था कि ऐसे बर्फीले घर में हमें रहने को? नहीं नहीं नहीं, हमने नहीं सोचा, ये बहुत सुंदर है और बहुत ब्यूटीफुल है देखने के लिए। क्या रहेगी आपकी मैसेज उन लोगों के लिए जो अभी तक कश्मीर नहीं आए हैं? उनको आना चाहिए, एक बार लाइफ में एक बार देखना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ मुख्तलिफ जगहों से आए हुए कुछ टूरिस्ट जो इस बर्फीले रेस्टोरेंट इस इग्लो में इंजॉय करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और इनकी भी मैसेज रही हमारे दीगर लोगों से जो अभी तक कश्मीर नहीं आए हैं उनके लिए भी इन्होंने मैसेज दी है कि जो लोग अभी तक कश्मीर नहीं आए गए उनको चाहिए कि एक बार इस धरती के स्वर्ग धरती पर जो स्वर्ग है हिवन आनंद जिसे कहा जाता है कि अगर जन्नत कही है धरती पर तो वो कश्मीर है, हर एक को चाहिए कि एक बार वो कश्मीर का टूर जरूर करें। और
जिस कदर यहाँ गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करने के जिस कदर वो कोशिश से लगातार कर रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पर करते हैं जिससे टूरिस्ट का रुझान गुलमर्ग की तरफ ज़्यादा बढ़ता है, वो कहीं ना कहीं सराहना के काबिल है। मज़ीद इस ज़मन में हम बात करने की कोशिश करेंगे गुलमर्ग डेवलपमेंट के अथॉरिटी के CEO से। देखिए, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी हो या टूरिज्म डिपार्टमेंट हो, हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यहाँ पे टूरिस्ट को फेस हो। टूरिस्ट यहाँ आ रहा है और हमें बहुत खुशी है कि इस बार बहुत अच्छा रहा है। इस साल हमारे सारे रिकॉर्ड्स जो हैं टूरिज्म अराइवल्स के इस बार ब्रेक हो गए। कोशिश की, हमेशा हमने कोशिश की है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ करने की, इम्प्रूव करने की, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देने की। इसी ज़मन में आज हमने एक यहाँ पे कोशिश की गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से कि एक और एक्सपीरियंस यहाँ पे टूरिस्ट को मिले। उस ज़मन में हमने यहाँ पे आउटसोर्स स्पेस की जो हमारी लैंड है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो प्राइवेट फर्म का हमने मदद किया ऑन द बेसिस ऑफ टेंडर्स। उन्होंने यहाँ पे ग्लो बनाया, एक स्पेशल अट्रैक्शन यहाँ पे टूरिस्ट जो है आपको देखने को मिली थी। जो भी हमने इनॉग्रेट किया तो कितना रश आ गया यहाँ पे टूरिस्ट का। इसके अलावा टूरिस्ट्स को एक ग्लो का एक्सपीरियंस मिले। उसके अलावा हमने इनको कंडीशन रखी है कि वहाँ पे कश्मीर का कल्चर जो है जिसके लिए कश्मीर दुनिया में मशहूर है उसको डिस्प्ले किया जाए। तो अभी इनॉग्रेशन हुआ है, मैंने अभी बनाने वाले के साथ भी बातचीत की। 2-3 दिन में आप देखेंगे कि इट विल बी फुल ऑफ कश्मीरी आर्टिफैक्ट्स, इट विल बी फुल ऑफ द सीनरीज विच डिपिक्ट द ओल्ड एज कल्चर ऑफ कश्मीर। जैसे जिस तरह से आप यहाँ पर कोशिश कर रही हो, हमने पिछले 2 सालों से लगातार देख रहे हैं कि वो सराहना के काबिल है, तो क्या रहेगी आपकी मैसेज खासकर लोकल्स के लिए जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, उनके लिए कोई ऐसी मैसेज रहेगी क्योंकि वो हमारी पहचान है, हमारी इमेज उन्हीं से है जो लोग टूरिज्म के साथ वाबस्ता, उनके लिए कोई खास स्पेशल मैसेज? देखिए, उनको भी मैसेज और आपको भी मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि काइंडली इस इग्लो की, इस कश्मीर कल्चर की पूरी पब्लिसाइज कर दीजिएगा। मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरा इसको थ्रू आउट इंडिया इसको पब्लिसाइज करें, इसको इसकी पब्लिसिटी दे दें। ट्रैवल एजेंट्स जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज्म से रिलेटेड, उनसे भी यही दरख्वास्त करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी पब्लिसिटी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसका इश्तहार करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाएँ, सो दैट लोगों को भी एक एक्सपीरियंस मिले, टूरिस्ट को भी एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले और इंटर्न हमारा जो है यहाँ पे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त।